हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी के दरबार में भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। बता दें कि श्री नैना देवी भाजपा के पूर्व मंत्री राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कुलदेवी है। ये पूजा स्थानीय पुजारियों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा की सफलता को लेकर की गई है, ताकि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल सफल रहे और वह देश और प्रदेश के उत्थान के लिए कार्य कर सके। स्थानीय पुजारियों ने पूजा अर्चना करके आशा प्रकट की है कि जेपी नड्डा को जो नई जिम्मेदारी मिलेगी उसका भी वह बड़ी बखूबी से निर्वहन करेंगे। हालांकि पुजारियों ने बताया कि जेपी नड्डा को जब कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो वह कुलदेवी माता श्री नैना देवी के दरबार में परिवार सहित पहुंचते हैं और दर्शन करने के बाद ही उनका अगला कार्यक्रम शुरू होता है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अब उनको नई जिम्मेवारी दी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। हम पुजारी वर्ग की तरफ से हम आशा करते हैं उनका जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो भी बुलंदियों पर जाए, अच्छा काम करे। परम श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी, ये नैना देवी माता जी को देवी हैं, वो यहीं से आशीर्वाद लेकर के हर कार्य का प्रारंभ करते हैं। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दी है उसके लिए माता जी उन्हें आशीर्वाद दें, भक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें और वो भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे लेकर के जाएं, यही हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा ही बनी रहेंगी। जय माता दी। प्रकाश नड्डा जी अपने कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए। बिलासपुर में उन्होंने एम्स हॉस्पिटल लाए और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। हम माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो इस कार्यकाल में भी पूर्णतया सफल हों।